नमस्कार, मैं बीना सानी आज फिर उपस्थित हुई हूँ और आज मैं बना रही हूँ भरवा शिमला मिर्च। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिएगा आप सब, क्योंकि प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा चल रही है, आप सबको पता ही है। तो आज मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ भरवा शिमला मिर्च। उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, उसके लिए मैंने तीन आलू लिए हैं, तीन मैंने बड़े आलू लिए हैं। इसको मैंने बॉयल कर लिया था और इस तरह से आपने बॉईल कर लेना, ये मैंने बॉईल करके रख लिया था। मैंने चार आलुओं को डेढ़ गिलास पानी के अंदर रख कर बॉईल कर लिया है, आप भी कर लेना, आप अपने हिसाब से लेना। मैं तीन शिमला मिर्च का बना रही हूँ और मैंने इस तरह से शिमला मिर्च ले ली है। ये शिमला मिर्च है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है भरवा बनाने के लिए। आपने इस तरह से शिमला मिर्च लेनी है और इसका ऊपर का भाग आपने हटा देना है, इस तरह से आपने ऊपर का भाग हटा देना है और इसको कट कर लेना है। आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत इजीली निकलता है, कोई दिक्कत भी नहीं करती है। इस तरह से आपने इसको खाली कर लेना है, इस तरह से आपने इसको खाली कर लेना है। और इस तरह से मैंने सभी को कर रखा था। मैं तीन शिमला मिर्च का बना रही हूँ, ये 250 ग्राम के करीब है, तीन शिमला मिर्च 250 ग्राम के करीब है। आप हाफ के जी बनाएंगे तो उसके हिसाब से बड़े तीन आलू ले लेना और मसाले लेने हैं। ये आलू है और मेरे पास एक बड़ा प्याज है, मैं प्याज डालूंगी, एक बड़ा प्याज है। प्याज कुछ लोग डालते हैं पर मैं डालूंगी, एक बड़ा प्याज डाल लेंगे। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब नमक, तीन शिमला मिर्च है, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी थोड़ा सा है, चाट मसाला, इन सबको मैं डालूंगी। और मैं डालूंगी इसके अंदर आमचूर, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं, लेकिन आमचूर का बहुत अच्छा टेस्ट होता है भरवा शिमला मिर्च में। इस तरह से डाल लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इससे भी आप कर सकते हैं, कद्दूकस से भी, और इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपने मैश करना है इसको, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी। और हाथ का भी प्रयोग करते हैं तो हाथ क्लीन होने चाहिए, वैसे भी क्लीन ही रखते हैं सब लोग। शिमला मिर्च को पहले धो लेना है, मैंने हमेशा ही सब्जी अपनी पहले ही वॉश करके रखती हूँ, जब बनाती हूँ तब भी वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद इस तरह से आपने इसके अंदर भरना है, अच्छे से भरना है और इसका अच्छा टेस्ट आना चाहिए। इस तरह से आप भर लेंगे, इसके अंदर मसाला अच्छा बनना, आलू का बहुत अच्छी बनती है परौंठे के साथ, रोटी के साथ। इस तरह से आपने भर लेना है, आपने अपने हिसाब से लेनी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को आपने अपने हिसाब से लेनी है, हाफ के जी की बना रही, क्योंकि फैमिली मेंबर के हिसाब से बनता है। मेरी फैमिली में तीन ही हम लोग हैं तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ, और वैसे तो मैं ही खाती हूँ, बेटा और हस्बैंड तो नहीं खाते, लेकिन ये सब बना रही हूँ वीडियो में दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ली है। तो इस तरह से आपने इस तरह से अच्छा भरना है ताकि अच्छा टेस्ट आए। नमक, मिर्च, गरम मसाला, आमचूर जरूर भरिएगा कुछ, आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैं अजवाइन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं अजवाइन नहीं डाल रही, आप अजवाइन डाल सकते हैं। इसका जो भरा हुआ है ना मसाला, ये ज़्यादा अच्छा भरा हुआ होना चाहिए। इसके अंदर मैंने चार चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है जिसको मैंने पका लिया है, सरसों का तेल है ये, और इसके अंदर इस तरह से मैं रख दूंगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से ढक देंगे ताकि इसके अंदर पक जाए। देखिए क्या 20 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छे में, शिमला मिर्च को भरवा शिमला मिर्च को टाइम लगता है बनने में, 15-20 मिनट में अच्छी रेडी हो जाती है। और अगर मेरा ये शिमला मिर्च बनाने का तरीका लाइक करें, शेयर करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब किए बिना ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल है उसको जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि मैंने कौन सी वीडियो डाली है। और अब मैं ऑफ कर लूँगी क्योंकि शिमला मिर्च मेरी बहुत अच्छी बनी है, रेडी हो चुकी है। इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे, इसके अंदर इस तरह से मैंने परौंठा भी बना लिया था अपना, क्योंकि परौंठा बनाने का तरीका मैं कई बार बता चुकी हूँ, उसे मैंने शूट नहीं किया है। इस तरह से आपकी शिमला मिर्च बन जानी चाहिए। 2 शिमला मिर्च मैं रख लूँगी, एक मेरी रेडी हो रही है। और मैं शिमला मिर्च किस तरह से बनाती हूँ और आपको मैंने बताया ही, आज मैंने आपसे भरवा शिमला मिर्च बनाने का तरीका बताया। शिमला मिर्च का ऊपर का कैप आपने इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से कैप निकल जाएगा, उसके अंदर आपने आलू मैश किए हुए भर लेने हैं। मैंने तीन आलू लिए थे, उसको मैंने उसके अंदर नमक, आमचूर, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, अपने टेस्ट के अनुसार डालना है, जितनी क्वांटिटी उसके हिसाब से डालना है। मैंने साथ में एक परौंठा रख लिया है, साथ में मेरे पास दही है,
और भरवा शिमला मिर्च। अच्छा ब्रेकफास्ट है, आप इसे लंच भी बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से आप भरवा शिमला मिर्च बनाइए। अगर आपको मेरा भरवा शिमला मिर्च बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक के साथ शेयर कीजिए। नए हैं जो मेरे चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना भूलें। कनेक्ट रहिए, स्टे रहिए, सेफ रहिए। मिलूंगी आपसे नई नई शेयरिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।